एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपंग गुरप्रसाद कबीर मोहे मरने का चाव है मरो तुहार के द्वार मत हर पूछा कौन है परा हमारे बार मत हर पूछा कौन है परा हमारे बार। सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साका चमकौर साका सरहंद दी इस स्पेशल पेशकश विच जो कि इतिहास दे सुनहरी पन्नियां नूं बयान कर रहा है आप जी सब दा हार्दिक स्वागत है। पिछली लड़ी दे विच ये विचारा गया सी कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते उना दे नाल चमकौर दी गढ़ी दे विच 40 सिंह दो साहिबजादे पंज प्यारे जिस साहस जिस दलेरी दे नाल दुश्मन दल दा मुकाबला कीता संसार दे विच इस दी मिसाल किते वी नहीं मिलदी। साहिबजादा अजीत सिंह ते साहिबजादा जुझार सिंह ते होर सिंघां दी शहादत तों बाद जद गढ़ी दे विच कुछ कुछ सिंघ रह गए सन तां पांच सिंघां दे फैसले अनुसार हुक्म अनुसार गुरु गोबिंद सिंह पातशाह चमकौर दी इस गढ़ी नूं छड़ के निकले ते ललकार के निकले सन ते उहनां दे नाल भाई दया सिंह भाई मान सिंह ते भाई धर्म सिंह ने उच्ची आवाज विच ए आख्या सी कि हिंद दा पीर जा रहा है जे किसे विच हिम्मत है ता इनू पकड़ के दसो। त्रू तारे दी सेध दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते उहनां दे नाल भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह गढ़ी तों बाहर निकले अते जयकारे गजांदे होए अगे वधे। असी उह वेख्या सी कि गुरु साहिब जी इन्हां तारियां दी सेध दे विच बियाबान जंगल नूं चीरदे होए माछीवाड़े पहुंचे सन ते माछीवाड़े गुलाबे मसंद दे बाग दे विच जाके विश्राम कीता। उहनां दा सारा शरीर थकिया होया सी पैरां दे विच छाले पै चुके सन कंडियां दे नाल अड़ अड़ के गुरु साहिब जी दे कपड़े भी लीरो लीर हो गए सन ते ओह शहनशाह अज मनुखता दी खातर माछीवाड़े विच पहुंचिया है ते इस बाग दे विच टिंड दा सराणा रख के विश्राम कीता है। ते उधर भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई मान सिंह भी त्रू तारियां दी सेध ते अगे वधदे रहे ते उहनां दा मिलाप होया ते माछीवाड़े दे कोल पुज के बाग दे रखवाले ने इह दस्सिया कि ते तुहाड़े जिहा कोई बंदा जिहड़ा है कोई मनुख जिहड़ा है ओह इस बाग दे विच आराम कर रिहा है सुत्ता पिया है। तां भाई दया सिंह जी भाई मान सिंह जी भाई धर्म सिंह जी जदों इस बाग दे विच पहुंचे तां उहनां दी अखां हंजुआं दे नाल भर होईआं कि शहनशाह दा शहनशाह आनंदपुर दा वासी कलगियां वाला बाजां वाला गुरु पिता इस बाग दे विच सुता पिया है सारे कपड़े जड़े हन ओ लीरो लीर हो चुके हन पैरां दे विच छाले पए हन ते भाई दया सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं जगाया ते पातशाह नूं आखिया उठो
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਤਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਖਤਾਂ ਜਿਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਗੇ, ਸੀਸ ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ
दो सिपाही पहले लंघे, उन्होंने अपना सीस जड़ा सी पहले अगे रखिया, नवाब नू सीस चुकाया ते ओनू सलाम बजा लाई। उस तो बाद साहिबजादा जोरावर सिंह ते साहिबजादा फतेह सिंह बड़ी गैरत दे नाल अणख दे नाल इस कचहरी विच पहुंचे ते बाबा जोरावर सिंह ने सब तो पहले अपनी पैर ओ अगे कीता है, मगरों उन्होंने अपना सीस अगे कीता। फिर इसे तरह बाबा फतेह सिंह भी इस कचहरी दे विच पहुंचे। बच्चियां दी ए दलेरी देखे सारे हैरान हो गए ते कचहरी विच वड़दियां ही दोवां बच्चियां ने फतेह गजाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगो दरबारियां ने आख्या ओए गुरु गोबिंद सिंह दा दरबार नहीं है, ए नवाब वजीर खान दी कचहरी है, इत्थे गज के सलाम गुजाओ। तो उन्होंने आख्या असी केवल ता केवल अकाल दी फतेह गुजांदे हां ते साडा सीस जड़ा है एक गुरु अगे ते एक अकाल पुरख अगे ही झुकदा है, उस तो सिवा असी किसे अगे भी अपना सीस ओ नहीं झुकांदे। ए देख के बच्चियां दी ए चुरत देख के, बच्चियां दी ए दलेरी देख के नवाब वजीर खान अग बगोले हो गया ते उन्हें काजी नूं आख्या इन्हां नूं फतवा दे के इन्हां नूं कतल करन दा हुक्म सुना दिओ। पर काजी ने दस्या कि इस्लामिक शरा दे मुताबिक उन्हां नूं सजा नहीं दिती जा सकती। पर उसे वक्त सुचा नंद जिसनूं इतिहास दे विच झूठा नंद करके दस्या गया है ओ सामने आया। उन्होंने आख्या तुसीं इन्हां बच्चियां दी मासूमियत ते ना जाओ, ए गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे ने ते ए सप दे बच्चे सप ही होंदे ने ते मैं तुहानूं ए सब कुछ अमली रूप दे विच करके दसदा हां। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे मासूम जिगरां तों सुचा नंद ने कोई सवाल पुछे ओए बच्चियो जे तुहानूं इस कचहरी तों छड दिता जाए तां तुसीं की करोगे। तां उन्हां बच्चियां ने बड़ी दलेरी दे नाल बड़ी चुरत दे नाल ए आख्या कि असीं मुड अपने सिंघां कोल जावांगे, उन्हां नूं इकट्ठा करांगे ते मुड़ तुहाडे नाल टाकरा करेंगे। उन्होंने कहा जे फिर तुहानूं फिर छड दिता जाए ते फिर की करोगे। उन्होंने कहा फिर असीं तद तक लड़दे रहांगे जद तक तुहाडा ए जुल्मी राज जिहड़ा है ए नाश नहीं हो जांदा, खत्म नहीं हो जांदा, तद तक असीं तुहाडे नाल टाकरा लैंदे रहांगे। ते बच्चियां दी ए गल सुन के सुचा नंद ने दरबारियां नूं ए दस दिता कि ए बच्चियां नूं मासूम ना समझो, इन्हां दे लई सजा है ओ तजवीज कीती जाए। काजी नूं फिर बुलाया गया ते नवाब वजीर खान ने ओनूं दस्या कि इन्हां दे लई सजा तजवीज कीती जाए। ते सुचा नंद दी इस हरकत दे बारे भाई दुनी चंद ने अपनी रचना कथा गुरु के सुतन की विच लिखिया है कि नीके बारक तुम मत जानो। ए सुचा नंद दे बचन सन, बोल सन जिहड़े उसने नवाब वजीर खान नूं दसे हन कि नीके बारक तुम मत जानो, नांगो के ए पुत बखानो, तुमरे हाथ आज ये आए, करो अबे अपने मन पाए, कि अपने मन पाउंदियां इन्हां नूं सजावां जिहड़ी हन ओह दित्तियां जाण। ते काजी ने ए तजवीज दित्ती कि इन्हां बच्चियां नूं नीहां दे विच चुण के शहीद कीता जाए। इतिहास दसदा है कि ए बच्चे दो दिन अपनी दादी दे कोल रहे, दादी ने इन्हां बच्चियां नूं हौसला दिता ते दूजे दिन नवाब मलेरकोटला शेर मुहम्मद खान ने बच्चियां दी इस सजा दी विरोधता कीती। उन्होंने कहा कि साडा जिहड़ा वैर है, साडा जिहड़ा दुश्मनी है ओह गुरु गोबिंद सिंह दे नाल है, इन्हां बच्चियां ने साडा कुछ नहीं विगाड़िया, इन्हां नूं छड दिता जाए। पर नवाब वजीर खान ते शेर मुहम्मद दी इस बेनती दा, इस फरियाद दा कोई असर नहीं होया। नवाब शेर मुहम्मद खान भी चमकौर दी जंग दे विच वजीर खान दे नाल सन ते ओहदे भी भरा इस जंग दे विच मारे गए सन। पर उन्हें ए दस्या साडी जिहड़ी दुश्मनी है ओह गुरु गोबिंद सिंह दे नाल है, इस दे बच्चियां दे नाल नहीं है। ते इस तरह जदों बच्चे अपनी दादी कोल फिर पहुंचे ते दादी नूं ओह पता सी कि अगली सवेर जिहड़ी है ओह बच्चियां नाल मुलाकात नहीं होनी, बच्चियां ने धर्म दे लई शहीद हो जाना है। सारी रात
कुट के इन्हां मासूम जिंदड़ियां नूं माता गुजरी ने अपने नाल लाया, दोवां नूं चुमिया, दोवां नूं प्यार कीता ते गुरु दियां साधियां सन उन्हां नूं दसियां। बच्चों के अंदर दलेरी जागी हुई सी। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बच्चे सन, ये ओ बच्चे हन, ये ओ मासूम जिंदड़ियां हन जिहड़ी बाणी दे इन्हां पंक्तियां दे नाल रोज सांझ पाउंदियां सन। निरपो संग तुम्हारे बस्ता, ये डरन कहां ते आया, ये सारे संसारक डरावे जिहड़े सन इन्हां दा कुछ नहीं विगाड़ सकदे सन। अगली सवेर होई, साहिबजादे मुड़ नवाब वजीर खजान दी कचहरी विच पहुंचे। बच्चा नूं फिर आख्या गया कि भाई तुसी अपनी जान एवें ना रलाओ, वड्डे व्याह जिहड़े हन वड्डे हो के ओ चंग शहजादियां दे नाल कीते जाणगे, तुहाडे लई महल माड़ियां उसारियां जाणगे, चंगे भोजन पकवान तुहानूं दित्ते जाणगे, पहनण नूं सोहणे कपड़े दित्ते जाणगे, तुहानूं हीरे जवाहरात दित्ते जाणगे। पर बच्चिआं ने नवाब वजीर खान दीआं सारीआं लालचां ते सारे डरावियां नूं जिहड़ा है ओ ठुकरा दित्ता ते गज के आख्या कि जुत्ती दी इक ठोकर लाके ताज तक ठुकरा सकदे हां, सिखी कौम लई आपां रोम रोम मुस्का सकदे हां। सो फिर काजी दे हुक्म अनुसार बच्चिआं नूं नीआं दे विच चुणन दा हुक्म दे दित्ता गया। एक मुसीबत उन्हां दे सामने, एक प्रॉब्लम उन्हां दे सामने फिर आई कि इन्हां बच्चिआं नूं शहीद करन वास्ते सरहंद दे विच कोई तैयार नहीं होया। फिर दो गिलजई पठान जो दिल्ली दे रहण वाले सन ते अपने एक मुकदमे दे कारण ओ सरहंद विच आए हुए सन, जिन्हां दा हलदियास वी ना शाशल बेग ते बाशल बेग करके दसिया गया है, इन्हां ने इस शर्त ते कि भाई साडा ए मुकदमा जिहड़ा है ओ खत्म कीता जाए ते बच्चिआं नीआं विच चुणन दे लई ए तैयार हो गए ते बच्चिआं नूं फिर नीआं दे विच चुणिआ गया। फिर जदों अधी दीवार होई इन्हां नूं फिर कसमां दित्ती गईआं, कुरान शरीफ इन्हां दे सामने रखिआ गया कि भाई तुसीं अपना धर्म जिहड़ा है छड्ड दिओ, तुसीं इस्लाम कबूल कर दिओ, अपनी जाना एवें ना गुजारो। पर बच्चे जिहड़े सन ओह वाहिगुरू दे सिमरन दे विच लगे होए सन, ओह अंतर आत्मे बाणी दे नाल जुड़े होए सन, उन्हां ते काजी दी इन्हां गल्लां दा कोई असर ना होया ते जदों दीवारां जिहड़ीआं सन ओह बच्चिआं दे सिर तक गल तक पहुंच गईआं तां इह बच्चे जिहड़े सन, इह मासूम जिंदां जिहड़ीआं सन ओह बेहोश हो गईआं। इतिहास इह वी लिखदा है कि दीवार जिहड़ी सी ओह टुट गई। उस तों बाद इन्हां निर्दही पठाणा ने इन्हां बच्चिआं नूं छुरे दे नाल कतल कर दित्ते ते जिस दा जिक्र पंथ दे महान विद्वान रतन सिंह जी भंगू ने अपनी रचना दे विच कीता है कि हो तो हुआ थो छुरा इक वारो, दे गोडे हेठ कर जिबह पारो, तड़फ तड़फ गई जिंद उड़ाए, इस शीर खोर दोए दहे कतलाए। दोवां बच्चिआं दा जिहड़ा सी ओह कतल कीता गया ते इह दस्सिआ गया कि उस तों बाद माता गुजर कौर नूं वी बड़ी जालम तरीके दे नाल इन्हां निर्दयां ने उन्हां नूं वी शहीद कर दिता। माता गुजरी नूं ठंडे बुरी तों थले डेग दिता गया ते थले सुट के उन्हां नूं वी शहीद कर दिता गया। ये ऐलान कर दिता गया कि इन्हां बच्चिआं दा संस्कार ते माता गुजर कौर दा संस्कार हुण कोई नहीं कर सकदा, जे किसे ने करना है तां उन्हां नूं भारी मुल जिहड़ा है ओह तारना पवेगा। ते इतिहास दसदा है कि दीवान टोडरमल जिहड़ा एक चंगा व्यापारी सी, उस ने इन्हां बच्चिआं दे संस्कार दे लई जगह जिहड़ी है ओह मोहरां दे के खरीदी है ते मोहरां वी जिहड़ीआं सन ओह खड़ियां रखियां गईआं ते फिर इन्हां बच्चिआं दा संस्कार जिहड़ा सी ओह उत्थे कीता गया। ते इस तरां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे छोटे छोटे लखते जिगरां बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ने संसार दे इतिहास विच एक अजीम कुरबानी दित्ती, अजीम शहादत दित्ती ते जालम हुकूमत मुकाबला जिहड़ा है ओह बड़ी दलेरी दे नाल कीता। माता गुजरी दी शहादत होई ते इधर दो छोटे साहिबजादिआं बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह अते माता गुजरी जी दी शहादत होई ते उधर
गुरु गोबिंद सिंह पातशाह फिर माछीवाड़े तो उच्च दा पीर बन के अगे निकले हन ते इस इतिहास नूं जिहड़ा ही इतिहास की अगली लड़ी विच विचार के असीं देखेंगे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इत्थों फिर अगे किस तरह पहुंचे। उन्हां नूं जदों अपने छोटे लखते जिगरां ते माता गुजरी दी शहादत दे बारे पर पता लग्या तां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने की कुछ किया, की कुछ आखिया ते किस तरह उन्हां नूं इह सारी शहादत दे बारे पता लग्या, इस लड़ी नूं असीं अगले इतिहास विच विचारांगे। अज दे इतिहास ते विचार करदे आं, अनेकां प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां हुई होणगीआं। आप जी बख्शनहार हो, सारे फतेह गजाओ जी, वाहिगुरू जी।